ना हाथ उठा ले बगाड़ से। मैं तेरी माँ को है ना तेरे जन्म होने के पहले से जानता हूँ। तेरे को क्या लगता है तेरे को घर से बाहर निकालने के बाद वो क्या चैन से बैठी होगी? अरे निवाड़ा तक मुंह में नहीं गया होगा उसके। नहीं वो तो मेरे को मालूम है, जब भी कोई माँ अपने जवान बेटे पर हाथ उठाती है ना तो कसूर हमेशा बेटे का ही होता है। लेकिन माँ ने मेरे को थप्पड़ मारा ना मामे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी बड़ी गलती मैंने की थी ना, माँ को मुझे जूता मारना चाहिए था। ना जूते खाने का इतना ही शौक है तो माँ घर पे और जूते मेरे पास है, चल वापस चढ़ते हैं। बड़ा होता हो रहा है तुम मुझे जूता मारने के लिए है? अरे अरे अगर मैं घर वापस चला गया ना तो अपनी बीवी से माफी मांगने के लिए मुंबई कब जाऊंगा? मामे चल यार मुंबई चलना है मेरे को। अरे पर मुंबई जाने के पैसे कहाँ हैं? एक मिनट देखा ना, अब क्या देख रहा है, क्या चेक कर रहा है? अरे चेन बेच दी, अंगूठी बेच दी, दांत बेच दिया, अब क्या मन ने बेचेगा? अरे तेरे को तो कसाई भी नहीं खरीदेगा मामे। अरे अरे तू कुछ सोच ना, जाए तो जाए कैसे? ना तू भी तो सोच सकता है। अरे मेरे पास इतनी अक्ल होती तो मैं तेरे साथ थोड़ी रहता। ना फिर भी सोच, तू ही सोच। ठीक है मामे, सोच लिया। सोच लिया, चलो चलो ठीक है। और काम करके सबके सब सुधाई, और मैंने 8 बजे से पहले पहले मुंबई के लिए निकलना है। पापा जी अगर आप बुरा ना माने तो ये सारी की सारी बोरियां उठाकर मैं ट्रक में रख दूं, इस हमाली के बदले आप मुझे मुंबई ले जाओगे? ओ पापा जी अगर मैं ये बोरियां अंदर ना रखूं और हमाली ना करूं तो आप मुझे मुंबई ले जाएंगे? अरे आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूंगा। पक्की बात है? हाँ जी पक्की। लग जा काम पे। धन्यवाद जी। ठीक है तू बोरी उठा, मैं अंदर बैठता हूँ जी। हाँ बैठ जा मामे। ओ पापा जी आपने ट्रक क्यों रोक दिया? बात दरअसल ये है, जब तक 2-4 रोटी से पेट बुझा ना कर लूं तो ये गाड़ी नहीं चलती मुझसे, और 4 दिन का सफर है। डैडी ये लीजिए प्रताप अंकल के लॉटरी के टिकट, चेक कर लीजिए। अरे प्रताप तेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकली। मेरी और लॉटरी? नहीं सेठ जी ठीक से देख लीजिए एक बार। देखकर तो बता रहा हूं प्रताप, 10 करोड़ की लॉटरी निकली है तेरी। 10 करोड़ की? और मेरी लॉटरी और 10 करोड़? मैं हम अमीर हो गए बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है हम लोग अमीर हो गए। 10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग। 10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग। बेटी बेटी हम अमीर हो गए, अमीर हो गए हम लोग, अमीर हो गए। रुक रुक भाई, कर रही है बम्बई बच्चे। भाई वाह, ले भाई बाकी से पैर रख ले, चल उतर। ओजी मैं फंस गई हूं, थोड़ा धक्का मार दो। धक्का? एक बार और मार दो जी। ओए किन्ना खा दी यार। ओ दीदी का पुत्र है चुक। ओ मेरी बेला चाचा जी। रुको रुको रुको, तुम लो कर लो गल, आपने हमको नहीं पहचाना। चुप है, पता शता है नहीं, आपने हमको नहीं पहचाना। ओ जी पहचानेंगे भी कैसे, हम पहली बार फगवाड़ा से जो आए हैं। हाँ जी। अरे कहीं तुम बनवारी के पुत्र तो नहीं हो? आहो जी। अच्छा अच्छा। और ये लोग क्या, मैं तो क्या सी ना चाचा जी रूप 20 साल बाद मिला ना तब ही मैंने पहचान लिया। आहो जी। अरे पायल पैर। दीदी। अच्छा पकड़ रख पत्तिया। ओए होए मैं सबके जावा, मैं वारी जावा। इन्नी सोनी कुड़ी, इन्नी सुशील कुड़ी नू वो नसीबो जला छड़ के चला गया, कुत्ता कमीना। लेकिन चाचा जी आप चिंता छोड़ दो कि इससे शादी कौन करूंगा, हम कुर्बानी देंगे चाचा जी। हम आ गए हैं ना, ये मेरा छोटा पूरा चिंदा
ये करेगा इससे शादी। हाँ जी। राजा भैया अब किससे मिलने आए हो? मैं अपने पायल को लेने आया हूँ। अब वो यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती तो कहाँ गई? उन्होंने नया बंगला खरीदा है, उनको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़? अरे भांजी सुना तने, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई उनको। हमें मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, पैसा मांगने के लिए नहीं आया। पैसा मांगने नहीं आया तो फिर तू जा, मेरा यहाँ का काम। हाँ तो तू जा यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ। तो जा ना यहाँ से। ना ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, कितना टाइम लेगा जाने में? ये तो बड़ी इंसल्ट कर दी तने मेरी। ना मैं जा रहा हूँ। अच्छा भांजी तूने आज है ना अपने मामे का दिल तोड़ा है। तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी और पैसा कमाने का सपना देखा और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है। पर मैं भी है ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा। ठीक हो रहा बाबा? ये ले बालिके, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जाओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, केक वाले बाबा जी। बाबा जी अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदन में गुदगुदी कर दूंगा। पैर छोड़, पैर छोड़। बोल तुझे क्या दुख है? दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भाड़जा है, नाम उसका है राजा। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। जबकि मैं है ना उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा डैशिंग हूँ। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी है ना एकदम सलमान खान की तरह है। जानम समझा करो, जानम समझा करो बाबा जी, समझा करो। और ऐसा कुछ कर दो कि मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए ताकि मैं ना दुनिया के किसी भांजे पे डिपेंडेंट ना रह सकूं। अरे इस बाबा की ताकत को तू जानता नहीं, अगर मैं चाहूं तो हवाओं का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनाख कर दूं। जानता है ये क्या है? ये चाकू है। चाकू के नीचे क्या है? चाकू के नीचे केके है। केके नहीं, केक है। केक? हाँ केक है। ये कोई मामूली केक नहीं, बाबा का केक है। असर किए बिना वापस नहीं आता। ये ले बालक, ये केक तू जिसको खिलाएगा वो तेरे प्यार में दीवानी होकर ऐसे भागेगी जैसे मजनू के पीछे लैला, रोमियो के पीछे जूलियट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन? समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं। सेक्रेटरी, यस, वो 20 लाख का जो चेक है ना वो खन्ना एंड खन्ना कंपनी को भिजवा देना। ओके, 20 लाख। हेलो, अमेरिका से? एक मिनट मैडम, आपका अमेरिका से फोन। अमेरिका से? हेलो, लक्ष्मी स्पीकिंग। अच्छा, वो आपकी कंपनी में हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है $3 लाख का, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। ओके। ओ देवी जी नमस्कार। घबराओ नहीं, मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ। केक? हाँ, आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है जी। ओ जी खा लो ना जी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक तो मेरे भांजी ने मेरा दिल तोड़ा है और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया ना तो मैं तो पूरे ही टूट जाऊंगा जी, और टूटता हुआ मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा जी। ओके ओके जी। लूसी माय लिटिल गर्ल, आज इनका बर्थडे है ना, चलो केक खा लो। अगर केक खा लिया तो शादी लाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादी लाल भाग भाग। अरे मेरी माँ, अरे बस कर, बचपन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन कुतिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चढ़ा दिया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रही है तू? अरे चली जा। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे घर के? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किस आदमी से कैसे बातें करनी चाहिए? जानते हो ये कौन है? इस घर का दामाद है, दामाद। सॉरी साहब। कोई बात नहीं भैया। सॉरी साहब। कोई बात नहीं भैया। सॉरी साहब। जाना यार। अरे नहीं 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 बेटे, उठो उठो। ससुर जी, मैंने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, मगर मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं और मैं अपनी धर्म पत्नी को लेने आया हूं। मैं जानता हूं बेटे, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। मैं तो यह भी जानता था कि एक दिन उसको लेने के लिए तुम वापस जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को शादी के उसी लाल जोड़े में सजा के रखा है जिसमें उसने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे।
वो कमरे में तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, जाओ उसे ले जाओ। जा देख क्या रहे हो बेटे, उठाओ और ले जाओ अपनी पत्नी को, यही है तुम्हारी असली मोहब्बत, असली धर्म पत्नी। अरे तुम्हें मेरी बेटी से नहीं, इन पैसों से प्यार था। इन पैसों के लिए तूने मेरी बेटी से शादी की थी, इन्हीं पैसों की वजह से सबके सामने तूने मुझे जलील किया था, और इन्हीं पैसों की वजह से तूने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। अरे बेटी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसकी खुद की बहन या बेटी हो, तू क्या समझेगा? तुम्हें पैसा चाहिए ना, उठाओ उठाओ जितना उठा सकते हो, और अगर ये भी कम है तो दूसरा कमरा नोटों से भरा हुआ है लेके जा। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा दे रहा हूं बेटी कभी नहीं दूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे ससुर जी,